साथ इस बार हम काम कर रहे हैं। देखो भैया, टीम को इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन प्रवाल भाई हमारे, ये जो हैं बहुत अच्छे एक्टर रहे। इन्होंने अब के बरस में फीचर किया था अमृता राव के साथ में, तो हमारी दोस्ती थी। तो फिर एक दिन ऐसे ही हमारी डिनर पे बातचीत थी, मैंने कहा यार प्रवाल भाई कुछ करना चाहिए। तो बोले ठीक है कुछ करते हैं। तो करते करते अचानक प्रोजेक्ट का प्लान बना और हमने एक तो तुम ही मेरा कल, ये टाइटल से हमने आज गाना रिकॉर्ड किया है। और ये मृणालिनी फीचर कर रही हैं, ये तो अपना भाई है ही, हर मुहूर्त में अपने आप आता है मेरे पास। हमने ये अपना घर का डायरेक्टर, अपना मेरा छोटा भाई, तो ये अपने पूरी टीम है। सर तुम ही मेरा कल अगर गाने के बारे में कुछ बताए, किस तरह का गाना है और लोगों को कौन से चैनल पर सुनने मिलेगा, कब रिलीज होने वाला है, आज रिकॉर्डिंग तो हो गई है, और किस तरह का गाना है और कैसा एक्सपीरियंस रहा अमन जी के साथ? देखो गाना बहुत रोमांटिक गाना है और बहुत वेस्टर्न सॉन्ग है। बहुत हमने 6-7 दिन से रिकॉर्ड कर रहे हैं गाने को, हमने सब इंस्ट्रूमेंट लगभग लाइव रिकॉर्ड किए हैं और बहुत रोमांटिक गाना है। और आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया में आप खो जाओगे, किसी अलग ही दुनिया में चले जाओगे गाना सुन के। गाना अमन ने आज बहुत अच्छा गाया है, तो मैं तारीफ करूँ कि मैंने बहुत अच्छा कंपोज किया है, बहुत अच्छा लिखा है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो यार तारीफ कर दो अमन भाई, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप दोनों की जोड़ी हम देख रहे हैं बहुत सालों से और बहुत सारे हिट देते आ रही है, इस गाने के अंदर कैसा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ में, और गाने के बारे में अगर कुछ बताया एज अ सिंगर कि किस तरह का गाना है ये? गाना प्रवीण भाई का, वो तो सर सवाल कहीं से भी आए कि रिक्वेस्ट है, अचूक सेंटर में होना चाहिए जी। बिल्कुल, थैंक यू। गाना जब प्रवीण भाई का होता है तो लाजमी सी बात है कि गाना बेहतरीन ही होगा, लिखते भी बेहतरीन है और बात अमाल कंपोज भी करते हैं। सो हमेशा ही हम लोगों की जो संगम होता है, म्यूजिकल संगम, संगीत में जो एक लॉ जगती है और जो एक समा बनता है, वो कोई भी स्टूडियो हो, कोई भी गली हो, कोई भी नुक्कड़ हो, तो हम जो है एक दूसरे को ऊपर वाले की दया से बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ये एज अ कंपोज़र, म्यूज़िक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट क्या कहना चाहते हैं, क्या कहलवाना चाहते हैं मुझसे एज अ सिंगर, तो सिंगर होने के नाते मेरा भी फ़र्ज़ है कि बहुत जो कंपोज़र की, म्यूज़िक डायरेक्टर की सोच है, लिरिसिस्ट की सोच है जिसने लिखा है, और जो लफ्ज कहना चाहते हैं उसको बयां किया जाए। और कोशिश करता हूँ मैं हमेशा, और ऊपर वाले का आशीर्वाद, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि वो हमेशा ही आप लोगों को बहुत पसंद आती है जो हमारी जुगलबंदी होती है। और ये गाना भी बहुत बहुत मेलोडियस है, बहुत जो लिखावट भी है आज के ज़माने की है, और कोई भी ज़माना हो, चाहे वो आज से आप 10-15 साल बाद भी सुनेंगे या 20 साल भी गाना सुनेंगे, तो आपको ऐसे लगेगा कि अभी रिलीज़ हुआ था। ये बहुत फ्रेश है, बहुत ताज़ा है, और ताज़ा तरीन काम करते हैं प्रवीण जी, और मुझे याद करते हैं हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने बेहतरीन से बेहतरीन जो गाने हैं, नगमे हैं जो ये कंपोज करते हैं और जो लिखते हैं, ये मुझे गाने को मिलते हैं और मुझे निभाने को मिलते हैं। तो ये बहुत मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ उसका, और बहुत अच्छा लगा प्रवाल जी और मृणालिनी और राजा भाई, अपने सब पुराने मित्र हैं, आई हैं, तो आई होप कि जब ये रिलीज़ हो बहुत अच्छा लगे लोगों को। प्रवीण सर, किसी गाने के लिए अगर आपको अप्रोच करते हैं, क्या कन्विंस करने की ज़रूरत पड़ती है या फिर सलाम दुआ भी हमारे चलती है, हाल चाल भी हम बात करते रहते हैं, बीच में काम ना भी हो तो, बट जब आता है कॉल तो अगर इनका कॉल उठाया तो 99% यही होगा, अमन एक डेट लिख ले यार, ये डेट है जो है, फिर मिलते हैं हम लोग, ये टाइम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट कर लेते हैं हमारी शेड्यूल के हिसाब से, बस वही बात होती है। पर ये पूछता हूँ कि गाना अच्छा ही होगा, गाने के बारे में ये नहीं पूछता हूँ कि गाना कैसा है, मैं मतलब मूड क्या है ये बता, ताकि थोड़ा अपने आप को मैं सेट करके आऊँ उस मूड के हिसाब से, और फिर बस फिर रंग जम जाता है भगवान के आशीर्वाद से। सर आपसे जानना चाहूँगा, बहुत टाइम लगा दिया आपने कम बैक करने में, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि इतना टाइम कैसे लगा और इस गाने के लिए कैसे ऑन बोर्ड आया, उस बारे में। एक्चुअली मैं पहले इस इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ, तो मेरे को फैमिली प्रेशर्स था, मेरा बिजनेस था, तो मैं गया कुछ कम्युनिटी के लिए करना था। फिर प्रवीण जी से मैं पहले से जानता, तो डिनर में गए हम लोग, तो प्रवीण जी ने मुझे एडवाइस किया कि तुम मेरे लिए गाना करो, तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि प्रवीण जी तो एक पूरा पैकेज है इस म्यूज़िक लाइन में, क्या लिखते हैं, खुद भी गाते हैं,
म्यूज़िक कंपोज भी करते हैं एंड मैं बहुत अपने लाभ को लकी फील करता हूँ कि मुझे अमन जी जैसे गायक मिले हैं और मेरा दोस्त राजा भाई साहब के साथ काम करने का मुझे मौका मिला और मिलनानी जी हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला। थैंक यू सर। एज ए एक्टर कितना प्रिपेयर करना पड़ा क्योंकि बहुत साल के बाद कमबैक कर रहे हैं और क्या मेंटली प्रिपेयर करना पड़ा खुद को, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें? हाँ, क्या तैयारियाँ करनी पड़ी एज ए एक्टर? मेंटली तो बहुत प्रिपेयर करना पड़ा अपने आप को क्योंकि ये इंडस्ट्री है, यहाँ हमेशा प्रॉपर करके आना पड़ता है ना। और राजा जी हैं, प्रवीण जी हैं, अमन जी हैं, गाना बहुत अच्छा है, मेलोडी गाना है और मैं बहुत लकी समझता हूँ कि इतना अच्छा गाना मिला। और प्रिपरेशन करने का तो टाइम मिलेगा, आगे हम देखेंगे, आप मुझे देखते रहेंगे हमेशा। राजा सर, आपसे जानना चाहूँगा कि प्यूरा वीडियो जो डायरेक्ट करने वाले, क्या क्या तैयारियाँ किया एज अ डायरेक्टर आपने? और सर बहुत टाइम के बाद कमबैक करने वाले हैं लेकिन जो है उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एज अ एक्टर, तो क्या थोड़ा सा ईजी होगा या डिफिकल्ट होगा आपके लिए? सर कुछ तैयारी नहीं की है, कुछ खास भी नहीं बनने वाला, जैसा बनता है वैसे ही बनेगा। कोशिश हम हर बार करते हैं कुछ अच्छा करने की, बट होता नॉर्मली, तो ऐसा कुछ नहीं है। तैयारी जब एक कलाकार चाहे कितने दिनों बाद भी आए, एक बार वो काम करने लग जाता है, जैसे अमन भाई एक बार जब गाने लग गए तो वो सारे सुर निकल जाते हैं, जो नहीं भी सोच सकते वो निकल जाते हैं। तो वैसे ही इनके साथ भी होगा, प्रभात जी और मुरारी जी के साथ भी अच्छा कपल है, पूरा स्टोरी वाइज वीडियो है और प्रवीण जी के लिखे हुए शब्दों को कहानी में कहने का एक अलग मज़ा है। कोशिश करेंगे कि अच्छा कर सकें, सरस्वती माँ की कृपा रहे। वीडियो की कोई कहानी, कोई कॉन्सेप्ट है कुछ शेयर करना चाहेंगे? सर इश्क है और उसमें इश्क हो जाता है तो खुशी है, उसके बाद फिर तकलीफ ही तकलीफ है, यही कहानी है। कुछ रियल लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया है इस बारे में? रियल के बगैर क्या मुझे लग रहा है सर ने, इन्होंने आपने सब ने एक्सपीरियंस किया है। ये जो अल्फाज हैं बिना रियल के, रियल एक्सपीरियंस के आएंगे नहीं मुझे, बहुत बार दिल टूटा है बहुत बार। जी मैम, क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस वीडियो शूट के दौरान? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं बहुत लकी फील कर रही हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है इतने एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ काम करने का, सो आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू। ओके, और एज ए एक्टर जो है सर ने काम किया ऑलरेडी, तो क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले, क्या कुछ सीखने का मौका मिलने वाला है या फिर एज ए एक्टर क्या कहना चाहेंगे? बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बिकॉज जैसा अभी शेयर कर रहा है कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं यहाँ पे सब लोग और मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ कि मुझे फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है और इतने सारे एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ मिल रही है, तो आई एम श्योर मैं बहुत कुछ सीख के यहाँ से जाऊँगी वापस। थैंक यू। राजा सर तो बहुत सारी चीज़ें गाइड करने वाले हैं, एज ए एक्टर आपकी तरफ से आपने क्या तैयारियाँ की है एज ए एक्टर? तैयारी तो मैंने कुछ भी नहीं करी है, आज से कराएंगे ना तैयारी। इसकी लोकेशन सर हम लोग बॉम्बे से बाहर दो तीन जगह वहाँ करेंगे, ये पनवेल के आगे एक हाईवे करेंगे, ट्रेजेडी सीक्वेंस है जिसमें हीरो और हीरोइन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद दोनों एक पूरी दूरी पर हैं, मिलना चाहते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे और दोनों इसी तरफ में ऐसा करके सीक्वेंस है वो हम लोग मॉरिशस घाट पे कर रहे हैं और बाकी बॉम्बे के अंदर कर रहे हैं। कोशिश थी कि हम लोग इसके लिए कहीं बाहर जाएंगे बट हाँ, हमारे यहाँ कोशिशें हर बार कामयाब नहीं होती हैं। जी मैडम, अभी तक की लाइफ में आप ये गाना करने जा रही हैं लेकिन आपका कभी ऐसा दिल टूटा है तो इस गाने से ऐसा ना कुछ बॉयफ्रेंड ने आपको धोखा दे दिया? आपने कितनों का तोड़ा ये? मैंने तो देखिए, मैंने तो बहुत लोगों का तोड़ दिया है, बहुत लोगों का जुड़ भी गए लेकिन मैडम आप बताइए कितने लोगों का तोड़ चुके हैं और कितने लोगों की जुड़ी है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है बट हाँ, मतलब गाना जब करेंगे तो पता चलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। अमन भाई, आपकी आवाज़ जो है गाने में चार चांद लगाती है, इस गाने के लिए अगर दो लाइनें आप गुनगुना दें इस गाने की हमारी ऑडियंस के लिए। तुम ही मेरा कल, तुम ही आज हो, तुम ही मेरा दिन, तुम ही रात हो, तेरे दिल में मेरी कोई जगह हो ना हो, मेरे लिए
तुम तो सारी कायनात हो, तेरे दिल में मेरी कोई जगह हो ना हो, मेरे लिए तुम तो सारी कायनात हो। आखिर में और क्या क्या प्रोजेक्ट्स लाइन अप है, सर ने जो है कमबैक कर लिया है, क्या कोई फीचर फिल्म के बारे में भी सोच सकते हैं हम लोग, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें, और क्या क्या प्रोजेक्ट्स लाइन अप है? अभी सीक्वेंस में हम लोग लगातार 4-5 गाने कर रहे हैं, तो 5-6 गाने 5-6 प्रोजेक्ट हैं लाइन अप, तो 5-6 गाने अभी कर रहे हैं फिर, और जब जब जो जो मौका लगेगा आपको बुलाएंगे, नाश्ता कराएंगे, चाय पिलाएंगे, वो जल्दी इसका रिलीज करेंगे। और सर हर गाना एक फिल्म है, हर गाना हर ऑडियो का वीडियो अपने आप में एक फिल्म है, पूरी कहानी है, और कोशिश यही करेंगे कि आप लोगों को देखिए बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा। आपको जल्दी एक पार्टी में और बुलाएंगे, इस गाने का लॉन्च करेंगे, तो आप सब लोगों को इन्वाइट करेंगे, दारू बुलाएंगे, खाना खिलाएंगे। अमन भाई ऑन कैमरा, आप ये बताइए आपने गाना गाया कितना अच्छा लगा और कैसे मूड में गाया आपको? मूड तो प्रवीण भाई के गानों का ये जादू है कि मूड बन ही जाता है, और ये खुद जो है इतने खुश मिजाज इंसान टीम के साथ जब आप एज एन आर्टिस्ट काम करते हो, और एज एन आर्टिस्ट के बियॉन्ड भी मेरा इनके साथ जो है एक भाई जैसा रिश्ता है, तो प्यार भी बहुत करते हैं, मैं भी बहुत करता हूँ इनसे, और एक दूसरे की जैसे मैंने पहले भी कहा केमिस्ट्री जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि जैसे आप दिग्गज कंपोजर्स हैं उनके साथ दिग्गज सिंगर्स की जोड़ी है, पंचम दा के साथ किशोर दा की थी, नौशाद साहब के साथ रफ़ी साहब की थी, फिर आजकल के टाइम पे आप हनु जी के साथ सोमू भाई की जैसे है, प्रीतम दा के साथ के की थी, तो ये हमारा जो एक रिश्ता है वैसा ही, कि ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बस, हाँ लेकिन जो चीज़ ये कहना चाह रहे हैं तो उस चीज़ पे जो सटीकता है, जो चीज़ होनी चाहिए वैसे ही होनी चाहिए, और उसमें मैं अपना थोड़ा और तड़का दे देता हूँ, तो वो तड़के के लिए भी जो है कंपोजर्स का दिमाग खुला होना चाहिए। कई लोग क्या होते हैं कि बोलते हैं नहीं मैं यही चाहता हूँ, यही गाओ और निकल जाओ, लेकिन यहाँ पे मेरे को भी छूट मिलती है कि मैं अपने जज्बात जो है जाहिर कर सकता हूँ एज अ सिंगर, क्योंकि एक सिंगर जो है एक वही एक डिश है जो गाना है, उसमें म्यूज़िक कंपोज़र जो है मसाले जो रॉ मटेरियल डालते हैं, और सब्जी लाएगा, ये लाएगा, और कच्चा माल जो है वो लाएगा, लिरिक्स भी अपना एक योगदान देगा, क्योंकि वो दोनों चीज़ें। तो तीसरी जो चीज़ है जो गाने को श्रृंगार रस से सराबोर करता है, वो सिंगर का काम है, तो मैं अपनी कोशिश करता हूँ, बहुत मज़े से गाता हूँ, हर गाना ही मज़े से गाता हूँ, इनका गाना कुछ ज़्यादा और मज़े से गाता हूँ, ज़्यादा और रवानगी दीवानगी से गाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। जी सर, आपसे जानना चाहूँगा कि आप दोनों की जोड़ी क्या वापस रिपीट होगी, वापस हम दोबारा और देखेंगे? अभी तो बहुत जल्दी है बोलना, बट आगे नियर फ्यूचर में अगर आप लोगों को अच्छी लगी, तो हम लोग डेफिनेटली सब कुछ ऐसे ही रिपीट होगा, और अगर अच्छी नहीं लगी तो फिर तो सब अलग रहेगा। फिर चाहते हैं कि क्या गाना सुनाने के जो बोल सुनाए आपने उसके लग रहा है गाना धमाल कर देगा। बस आपने बोल दिया, बस बोल दिया, खत्म हो गया, ताली बजाओ गणपति बप्पा, ओ गाना करते एक सॉन्ग फिर आप प्लीज की अमन भाई गणपति का सॉन्ग का माहौल कर रहा है, जरा अमन भाई जरा हो जाए गणपति के ऊपर जी। ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है, धरती अंबर सितारे जिसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवालियाँ रे, करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा। और इसी उसी मौके पे हम लोगों का भी एक गणपति बप्पा का गाना है, बहुत बड़ा गाना आ रहा है, वो भी सारे गामा से रिलीज होने वाला है, तो वो भी बहुत मजा आएगा, गणपति बप्पा का आशीर्वाद है। टेक्निकल डिले अभी सुना नहीं था, हां अभी रिलीज का वो जो बातें हैं वो अभी हो रही है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे अभी मेरा एक गणपति बप्पा की बात हुई और गणेश उत्सव चल रहा है, तो सुख करता दुख हरता जो उनकी आरती है वो मेरा भी एक वर्जन उसमें बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है, आप लोग सुनिए। सुख करता दुख हरता वाता विघ्नाशी निर्मी विघ्नी, ये वाला जो है, तो
बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों से और गणपति बप्पा सबके ऐसे आशीर्वाद और प्यार बरसाते रहें और हमारे गाने पे भी बरसाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो नाइस ऑफ यू।